हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट आईटी सॉल्यूशंस। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कोई भी लैपटॉप अगर वाटर डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं या उसका क्या प्रोसेस होता है। तो एक मेरे पास लिनोवो का लैपटॉप आया है जिसमें वाटर डैमेज है, ठीक है। इसको मैंने डीअसेंबल कर लिया है, उसके बाद इसको मैं बाहर निकालता हूँ और ये सारा कुछ गीला गीला था, तो मैं ये देखिए सारा ये गीला है, पूरा मदरबोर्ड के ऊपर वाटर ये हुआ है। ये देखो ये ऐसी कैसे हुई है, ये देखिए। और ये सीमोस सेल भी आप देख सकते हो वाटर डैमेज की वजह से क्या हाल हुआ है इसका। तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमें पूरी जितने भी कॉस्मेटिक्स है लाइक डीसी जैक, सीमोस सेल, ये देखिए सीमोस सेल का क्या हाल हुआ है वाटर डैमेज की वजह से। तो इसमें शॉर्टिंग भी हो सकती है, तो इस कंडीशन में एडाप्टर न लगाए, डीसी जैक न लगाए, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं उतने सब रिमूव कर लेने हैं। अब ये ऑनबोर्ड सीपीयू है तो हम सीपीयू तो रिमूव नहीं कर सकते, तो सारा कुछ हमने रिमूव कर लिया। तो इसके बाद इसको हम वाटर से ही धोएंगे। वो कहावत सुनिए ना, लोहे ही लोहे को काटता है। तो आइए हम इसको अब वाटर से वॉश कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमने जो है ना एक लिक्विड आता है, ये वाटर है सारा, ये देखो इसके अंदर ये वाटर है और उसके अंदर हमने एक लिक्विड डाला है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग एलमा यूज करते हैं, आईपी यूज करते हैं, लेकिन ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है और 100% रिजल्ट आता है। वाटर लेना है और थोड़ा सा लिक्विड आता है वो डाल देना है, और इसके अलावा आप कुछ भी यूज करते हो लाइक शैम्पू वगैरह कुछ भी यूज करते हो, तो लेकिन मैं लिक्विड यूज करता हूँ, ठीक है। तो इस बोर्ड के अंदर, बोर्ड को इसके अंदर डाल देना है। तो ये जैसे ही थोड़ा सा गीला हो जाएगा उसके बाद ब्रश से इसको थोड़ा सा रगड़ना है। ये ब्रश है, अच्छी तरह से वॉश करना है, ठीक है ना, ताकि जो पहला वाला इसके ऊपर वाटर है वो निकल जाए पूरा कुछ। इसमें भी ये जितने भी कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स में वाटर डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। इसको भी अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, थोड़ा सा साफ सफाई अच्छी तरीके से करना है, रैम स्लॉट के अंदर भी। ओके, तो इसको हमने अच्छी तरह से रगड़ लिया है। तो ऐसे ही इसको इसमें ही एक 5 मिनट रख देते हैं। 5 मिनट के बाद आप इसके बाद क्या करना है इसको मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो इसके बाद ये 5 मिनट हो रखा है, ठीक है, बढ़िया एकदम वॉश हुआ है अभी। डैमेज की वजह से सारा कुछ एकदम सही हुआ है। इसके बाद क्या करना है,
ये है प्योर वाटर यानी कि पानी। अब हम इसको पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अच्छी तरह से वाटर है इसे साफ कर लेंगे। स्मोस के अंदर भी गया था तो स्मोस को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। यूएसबी कनेक्टर, एचडीएमआई कनेक्टर, लैंड कनेक्टर, इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया है वाटर डैमेज का साफ सफाई। वो स्लोगन सही है ना जो जिसने भी कहा है, लोहा ही लोहे को काटता है। इस तरीके से वाटर डैमेज हुआ है तो हम इसको वाटर से ही धो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जितना भी वाटर डैमेज का डार्क सर्कल्स वगैरह था ये सारा कुछ निकल गया है। ठीक है, तो अब हम इसको एक तो सनलाइट में सुखाएंगे बढ़िया तरीके से। सनलाइट में सुखाना है तो कम से कम 4 घंटा रखना पड़ेगा मेरे एक्सपीरियंस से, और ओवन में रखेंगे तो एक आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन मैं नेचर का इस्तेमाल करना बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, क्यों तो नेचर का रिजल्ट मेरे को बहुत बार 100% आया है। ठीक है, इसके लिए मैं ओवन यूज़ नहीं करता और मेरे पास ओवन भी नहीं है, तो मैं इसको बस आसानी से ये करूँगा, मतलब वो छोड़ दूंगा। अब ये 4 घंटे ऐसे ही रहेगा, एक मरतबा बस ऐसे होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बोलना, मतलब ये कमेंट करना ना भूले। और इसके बाद मैं पार्ट 2 बताऊंगा जो कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं सॉल्व हुआ है। तो आपको लाइक कमेंट्स और शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।